आपने अक्सर लोगों की आपसी दुश्मनी के चर्चे तो आए दिन सुने होंगे, मगर एक अनोखी दुश्मनी का मामला यूपी के जनपद हापुड़ में सामने आया है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जिस पर अपने हर नजरिए से चर्चा कर रहे हैं। एसएसबी कॉलेज में माली के पद पर तैनात माली राजवीर एक चील की रंजिश के चलते काम करते समय पिछले कई महीनों से हेलमेट लगाकर काम कर रहा है। शुरुआत में तो उसने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, मगर लगातार हो रहे चील के हमले ने राजवीर को पिछले कई माह से हेलमेट लगाकर काम करने पर मजबूर कर रखा है। लोग हेलमेट का प्रयोग सड़क दुर्घटना से व वाहन चालान से बचने के लिए लगाते हैं। वहीं नगर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित एसएसबी कॉलेज में माली राजवीर पिछले कई महीनों से चील के हमले से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग कर रहा है, जो स्थानीय लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं माली राजवीर इन दिनों दहशत में रहकर जीवन यापन कर रहा है। माली राजवीर ड्यूटी को हेलमेट पहनकर अंजाम दे रहा है। उक्त सरस्वती इंटर कॉलेज में करीब 90 टीचर और कर्मचारी सहित हजारों छात्र हैं, मगर यह चील सिर्फ माली राजवीर को नौकरी नहीं करने दे रही है। आते जाते और कॉलेज के पार्क में कार्य करते समय यह चील हमला करती है। राजवीर पिछले कई महीनों से इस हमले का सामना कर रहे हैं। राजवीर इस पर चील ने कई बार हमला कर घायल कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक राजवीर हेलमेट पहने रहते हैं, क्योंकि चील कब हमला कर दे ये उनको भी पता नहीं होता। राजवीर ने एक बार उस चील की जान अपनी जान पर खेलकर बचाई थी, मगर वह नहीं जानता था कि चील उसके क्यों और किन कारणों से जंजाल बनी हुई है। हापुड़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार गर्ग, प्रधानाचार्य एसएसबी इंटर कॉलेज हापुड़। सर, कॉलेज में आपके कर्मचारी हैं, वो कुछ काम करते हैं तो उन्हें कुछ चील है परेशान करती, वो हेलमेट लगाकर रहते हैं, क्या वजह है उसकी? एक्चुअल जिस पार्क में वो काम करते हैं उस पार्क में एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के उस पेड़ पर चील ने अंडे दिए हुए हैं, बच्चे हैं उसके ऊपर। तो ये जब माली काम करता है तो कभी इसके हाथ में डंडा होता है, कभी झाड़ू होती है, कभी फावड़ा होता है, कभी कुछ और औजार होते हैं, तो चील को डर रहता है कि कहीं ये मेरे बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। तो चील की जो अपनी भावना रही है पशु पक्षियों की होती है, तो उसके अंतर्गत वो उस पर कई बार मतलब पंजे मार देती है वे। हालांकि ये उससे बचाव के लिए प्रयास करता है कि कई बार सिर पे 2-3 डंडियां लगा ली इसने, जैसे बेहलिए लगा लेते हैं, या हेलमेट हमने दिलवाया हुआ है कि हेलमेट ले लेते हैं, तो हेलमेट लगा के वो अपना काम कर लेता है। लगभग कितने महीनों से परेशान कर रही है ये? हो रहा है लगभग 1 महीने से, जब से वो उसने बच्चे दिए हुए हैं। बताया जा रहा है उसकी जान भी बचाई थी चील? हाँ, एक बार बल्कि जो चील जो मांझा होता है तो मांझे में चील वो फंस गई थी। अब जब फंस गई तो काफ़ी देर तक फड़फड़ाती रही, तो और चील भी उसे बचाने के लिए इकट्ठी हुई। हालांकि और चील तो नहीं बचा पाई, फिर भी इसने और एक और चपरासी ने मिलकर उस चील को मांझे में से निकाला, तब भी चील ने परेशान किया। उसके बाद चील ने से 5-6 दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन 5-6 दिन बाद फिर पता नहीं चील को क्या हुआ, लेकिन अब बहरहाल 2-3 दिन से वो शांत है। शायद हो सकता है उसके बच्चे बड़े हो गए हों, जिससे वो सुरक्षित महसूस कर रही हो।